सर्वेभ्य नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी कक्षा 5 की सुरभि पुस्तिका के दसम पाठ दसवें पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है आगच गायामः, आओ गाए। यह आपका एक कविता वाला पाठ है, आप इसको मेरे साथ गाइए। उसके बाद हम आपके शब्दों का अर्थ बताएंगे और आपके पाठ का अर्थ भी समझाएंगे। चलामि मार्गे जले तरामि, क्रीडामि क्षेत्रे सदा हसामि, पठामि गेहे कथा शृणोमि, नद्यतीरे अहं भ्रमामि। अब आप अपने शब्दों का पहले अर्थ देख लीजिए। चलामि, चलामि का अर्थ है चल रहा हूँ, मार्गे मार्ग में, जले, जले का अर्थ है जल में, तरामि तैर रहा हूँ, मार्ग में चल रहा हूँ, जल में तैर रहा हूँ, क्रीडामि क्षेत्रे, क्रीडामि का अर्थ है खेल रहा हूँ, क्षेत्रे मैदान में, सदा, सदा का अर्थ है हमेशा, हसामि हंस रहा हूँ। यहाँ पर आप अपने चित्र में देखेंगे जो यह बच्चा क्रिया कर रहा है वह आपको चित्र में भी दिखाई दे रही है कि मार्ग में चल रहा हूँ, जल में तैर रहा हूँ, क्रीड़ा क्षेत्र में खेल रहा हूँ, सदा हंस रहा हूँ। पठामि गेहे, पठामि का अर्थ है पढ़ रहा हूँ, गेहे यानी कि घर में, कथाम सुनोमि कथा को सुन रहा हूँ, नद्या तीरे, नद्या, नद्या का अर्थ है नदी के, तीरे, तीरे का अर्थ है किनारे पर, अहम माने मैं, भ्रमामि घूम रहा हूँ, नदी के किनारे मैं घूम रहा हूँ। यहाँ पर जो ये आपकी पंक्तियाँ हैं इनका अर्थ है मार्ग में चल रहा हूँ, जल में तैर रहा हूँ, मैदान में खेल रहा हूँ, सदा हंस रहा हूँ, घर में पढ़ रहा हूँ, कथा को सुन रहा हूँ, नदी के किनारे मैं घूम रहा हूँ। इस प्रकार आपके इन पंक्तियों का अर्थ है। चित्र में आपको ये सभी क्रियाएं दिखाई दे रही हैं। एषा हस्ता दक्षिणा हस्ता, एषा वामा हस्ता, एषा पादा दक्षिण पादा, एषा वामा पादा। एषा माने यह, हस्ता माने हाथ, दक्षिणा, दक्षिणा का अर्थ है दाया, हस्ता माने हाथ, यह हाथ दाया हाथ है, एषा माने यह है वामः, वामः का अर्थ है आपका बायां, हस्ता माने हाथ, यह बायां हाथ है, एषा पादः, एषा का अर्थ है आपका यह, पादा माने पैर, दक्षिण पादः दायां पैर है, यह पैर दायां पैर है, एषा माने यह वामः, वामः का अर्थ है बायां, पादः, पादा का अर्थ है पैर, यह बायां पैर है। यहाँ पर आप चित्र में देखेंगे जो ये आपकी पंक्तियां हैं इनके अनुसार ही यहाँ पर आपको चित्र में सभी बच्चे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कहा है यह हाथ दायां हाथ है, इस वाले चित्र में आप देखेंगे यह बच्चा अपने हाथ की ओर इशारा कर रहा है कि यह हाथ दायां हाथ है। दूसरी पंक्ति में लिखा है यह बायां हाथ है, इस वाले चित्र में बच्चा दूसरे हाथ की तरफ इशारा कर रहा है कि यह बायां हाथ है, यह पैर दायां पैर है। इस चित्र में जो बच्चा इशारा कर रहा है अपने पैर की ओर कि यह पैर दायां पैर है, यह बायां पैर है। इस वाले चित्र में बच्चा अपने दूसरे पैर की ओर इशारा कर रहा है कि यह बायां पैर है। इस प्रकार आप अपनी पंक्ति के अर्थ को अपने चित्र से भी समझ सकते हैं। मेघा गर्जति पतति च जलम, पृच्छति बाला गच्छति का आयम, गच्छति हसति पातुम जलम, रक्षति जननी अंके बालम। मेघा, मेघा का अर्थ है आपका बादल, गर्जति गरज रहे हैं, पतति, पतति का अर्थ है गिरना, चामा ने आओ जलम जल को, बादल गरज रहे हैं और जल को गिरा रहे हैं। यहाँ पर आप चित्र में देखेंगे बादल पानी गिरा रहे हैं। पृच्छति बाला गच्छति कहाँ आयम, पृच्छति बाला का अर्थ है, पृच्छति का अर्थ है पूछ रहा है, बाला यानी कि बाला, गच्छति जा रहा है, का माने कौन, आयम माने यह। यहाँ पर आप चित्र में देखेंगे बालक पूछ रहा है कि यह कौन जा रहा है। गच्छति, गच्छति का अर्थ है जा रहा है, हस्ति, हस्ति का अर्थ है हाथी, पातुम पीने के लिए जलम जल को, हाथी जल पीने के लिए जा रहा है। यहाँ चित्र में आप देखेंगे जो हाथी है वह जल पीने के लिए जा रहा है।
रक्षति जननी अंके बालम। रक्षति रक्षति का अर्थ है रक्षा कर रही है, जननी माता, अंके अंके का अर्थ है गोद में, बालम बालक को, माता बालक की अपनी गोद में रक्षा कर रही है। इस चित्र में आप देखेंगे माता अपने बच्चे को गोद में लेकर रक्षा कर रही है। आपकी इन पंक्तियों का जो अर्थ है वह आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, आप इसको एक बार दोबारा देख लीजिए। बादल गरज रहे हैं और जल बरसा रहे हैं, बालक पूछ रहा है कि यह कौन जा रहा है, हाथी जल पीने के लिए जा रहा है और माता अपने बालक को गोद में लेकर उसकी रक्षा कर रही है। पाठ को समझने के बाद इसी वीडियो में आप इसका अभ्यास कार्य भी कर लीजिए। प्रश्न संख्या एक है, पाठम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखन्तु। पाठ को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यह कार्य मैं आपका कर चुकी हूँ, आप इसको समझ लीजिए। इसमें आपका प्रश्न है अहम कुत्र चलामि, मैं कहाँ चल रहा हूँ। आपके इस प्रश्न का उत्तर है अहम मार्गे चलामि, मैं मार्ग में चल रहा हूँ। अहम कुत्र तरामि, मैं कहाँ तैर रहा हूँ। अहम जले तरामि, मैं जल में तैर रहा हूँ। अहम कुत्र भ्रमामि, मैं कहाँ घूम रहा हूँ। अहम नद्या तीरे भ्रमामि, मैं नदी के किनारे घूम रहा हूँ। अहम किम सुनोमि, मैं क्या सुन रहा हूँ। अहम कथाम सुनोमि, मैं कथा सुन रहा हूँ। अहम कदा हसामि, मैं कब हंस रहा हूँ। अहम सदा हसामि, मैं हमेशा हंस रहा हूँ। कहा गरजती, कौन गरज रहा है। मेघा गरजती, बादल गरज रहा है। किम पतती, क्या गिर रहा है। जलम पतती, जल गिर रहा है। कहाँ गच्छति, कौन जा रहा है। आपके इस वाले प्रश्न में मैंने दो पद लिखे हुए हैं, पहला है हस्ती, दूसरा है गजा, दोनों का अर्थ ही हाथी होता है। तो आपके इस प्रश्न का उत्तर होगा हस्ती गच्छति, या फिर आप इसको गजा गच्छति भी कर सकते हैं कि हाथी जा रहा है। जननी कम रक्षति, माता किसकी रक्षा कर रही है। जननी बालम रक्षति, माता बालक की रक्षा कर रही है। जननी बालकम कुत्र रक्षति, जननी बालक की कहाँ पर रक्षा कर रही है। जननी बालकम अंके रक्षति, जननी जननी का अर्थ होता है माता, की माता बालक की गोद में रक्षा कर रही है। इस प्रकार आप अपने इस प्रश्न को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। प्रश्न संख्या दो है, चित्रम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। चित्र को देखकर यह जो आपके इन्होंने वाक्यों में रिक्त स्थान बनाए हुए हैं उनको आपको पूर्ण करना है। एषः दक्षिणा हस्ता, यह दायां हाथ है। एषः वामः हस्ता, यह बायां हाथ है। एषः दक्षिणः पादः, यह दायां पैर है। एषः वामः पादः, यह बायां पैर है। इस प्रकार चित्र को देखते हुए आपको अपने रिक्त स्थान पूर्ण करने हैं। प्रश्न संख्या तीन है, कहा किम करोति, कौन क्या कर रहा है। पुस्तक में दिए हुए चित्रों को देखेंगे और अपने वाक्यों को पूर्ण करेंगे। आपके चित्र में जो क्रिया करता हुआ दिखाई दे रहा है वही क्रिया आपको यहाँ पर लिखनी है। जैसे छात्रा पुस्तकम पठति, छात्र पुस्तक पढ़ रहा है। इस चित्र को देखकर आप समझ सकते हैं कि जो छात्र बैठा है वह पुस्तक पढ़ रहा है। श्रुति लेखम लिखती, श्रुति लेख लिख रही है। इस चित्र में जो बालिका है वह श्रुति है, वह लेख लिख रही है। आप इस चित्र में देखेंगे एक आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ है। आपके वाक्य में भी आपको यही लिखना है, नरहा आसंदे उपविशति, आदमी कुर्सी पर बैठा है। इस चित्र में बालक घूमते हुए दिखाई दे रहा है। आपके चित्र को देखते हुए आप अपने वाक्य को पूर्ण करेंगे, बालकाः उद्याने भ्रमति, बालक बगीचे में घूम रहा है। इस चित्र में बालक प्रार्थना कर रहा है। आप चित्र को देखते हुए अपने वाक्य को पूर्ण करेंगे, बालकः प्रार्थनां करोति, बालक प्रार्थना कर रहा है। इस प्रकार आप अपने चित्रों को देखते हुए सभी वाक्य पूर्ण करेंगे। चित्र में बंदर पेड़ से कूदते हुए दिखाई दे रहा है तो आप अपने वाक्यों को इसी प्रकार पूर्ण करेंगे, वानरः वृक्षात् कूदति, बंदर पेड़ से कूद रहा है। यहाँ पर इस चित्र में तोता फल खा रहा है तो आप इसको इस प्रकार ही पूर्ण करेंगे, सुकहा फलम खादति, तोता फल खा रहा है।
इस चित्र में मोर नाचते हुए आपको दिखाई दे रहा है, तो आपका जो वाक्य होगा वह इसी प्रकार होगा, मयूरहा नर्तयति, मोर नाच रहा है। इस चित्र को देखेंगे तो इसमें आपको दिखाई देगा जो किसान है वह अपने खेत को जोत रहा है। वाक्य होगा कृषकः क्षेत्रम कृषति, किसान खेत को जोत रहा है या किसान खेत में खेती कर रहा है। इस प्रकार आपके सभी वाक्य पूर्ण हो जाएंगे और आपका जो प्रश्न था कि कौन क्या कर रहा है वही आपको अपने चित्र को देखकर उत्तर देना था। यहाँ पर यह पाठ आपका समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पाठ की वीडियो के साथ। सर्वेभ्य नमो नमः।